अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 8.995 प्लस ब्रैकेट में 6.1961 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 3 बाय 18.7960। अब ये क्वेश्चन देखने में कितना टिपिकल लग रहा है ना, कि पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, फिर इसका स्क्वायर करो, देन इसको ऐड करना है और ये डिवाइड करना है। अगर बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग देखे तो ये और भी टिपिकल हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि हम इजिली कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब मैं इनको ना अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लेती हूँ। अब 7 to 8 का अप्रोक्सीमेट 0.9 है, तो ये अप्रोक्सीमेट 7 to 9 हुआ है ना, ये हुआ 7 to 9 अप्रोक्सीमेट। मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ले रही हूँ प्लस। अब ये 6.1 का स्केयर, मैं इसको 6 का स्केयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 3 बाय 18.7, मैं इसको 19 दे देती हूँ। अब 7 to 9 का स्केयर रूट क्या होता है, 27 प्लस 6 का स्केयर 36 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें तो 19/3 अपोजिट हो जाएगा दोनों, है ना। तो अब इनको ऐड करते हैं तो 63 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 19/3 कितना होता है, 6.3, या तो 6.333 तो 6.3। तो 63/6.3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अब इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 10। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है हमारे पास, 10। अब ऑप्शंस में 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको सारे स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका स्केयर पता है, इसका स्केयर रूट पता है, इसका स्केयर पता है, तो आप इजीली इसको कुछ 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए और आंसर को जल्दी से फाइंड आउट कीजिए।